अस्सलाम वालेकुम। कराची का लड़का यहाँ आया था मुलाल, और यहाँ पे बादल बड़े प्यारे आए हुए हैं। नीचे एक वैली है, यहाँ पे टाइम लैप्स बन रहा है कैमरे में, मैंने मोबाइल निकाल लिया था, और फुल इंजॉयज हो रहे हैं, मज़े चल रहे हैं, मज़े चाहिए हमें तो। ओके, तो अभी प्रोग्राम ये है कि हम जा रहे हैं दामने को, पीर सुहावा मनाल, सारे एक ही नाम है, पता नहीं अलग अलग जगह, देखते हैं क्या होता है, पंजाब की खूबसूरती देखते हैं आज। ओके, रास्ते में चल रहा है ना, रास्ते में छल्ली वाला नजर आया, हमने सोचा छल्ली वगैरह ले लो, पीछे व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। इस्लामाबाद में तो आप कहीं पर भी आ जाए, आपके व्यूज़ अच्छे ही मिलते हैं। उस्ताद जी ज़रा टाइट सा मसाला लगा दो, पूरा पाकिस्तान देख रहा है आपको, पता शर्मा रहा है। ओके, हम अभी इस टाइम मरगला हिल्स से अंदर एंटर हो चुके हैं, और यहाँ के व्यूज़ बहुत ज़्यादा प्यारे हैं पीछे, पता नहीं। और हमारे साथ हैं सलमान भाई। सलमान भाई जी, इंशाल्लाह अभी आपको यहाँ पे हम दो जगहें दिखाएंगे, एक हम आपको जो है वो दामने को दिखाएंगे, वहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो आपको विज़िट कराएंगे, और उसके बाद हम आपको ऊपर मुनाल लेके जाएंगे, और अगर हो सका तो आपको हाईलैंड रिजॉर्ट भी लेके इंशाल्लाह। बस अब कराची वाले तो ऐसे व्यूज़ देख नहीं सकते बेचारे, तो हम हैं आपको दिखाने के लिए, मज़े चाहिए ना, मज़े देंगे आप, टेंशन नहीं लेनी। वैसे एक सोचने वाली बात यह है कि पहाड़ तो हमारे कराची में भी हैं, लेकिन उन पे ग्रीनरी नहीं है। वजह यह कि कराची में बारिशें नहीं होती, और यहाँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिशें बहुत होती हैं, तो इस वजह से यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, और खूबसूरत तो है, और लोग भी खूबसूरत हैं माशाल्लाह से। हमने जो छलियाँ ली थी, सलमान भाई ने अपनी छली बंदरों को खिला दी। सलमान भाई दुख हो रहा है आपको? नहीं, दुख से ज़्यादा खुशी हो रही है, अल्लाह करे वो दुआ देते हैं तो हमारा कोई काम बन जाए। छीन छीन के लेके जा रहे हैं, छीन छीन के लेके जा रहे थे, थोड़ा सा एटिकेट उनको आने चाहिए। जैसे ही सलमान भाई ने छली निकाली, उधर से सारी फौज आ गई। मैंने बोला अल्लाह खैर करे, आज हम पे हमला हो गया कराची। काफ़ी अरसे से भूखे थे बेचारे। तो हम इस टाइम मौजूद है दामने को पे, और पीछे अनफॉर्चुनेटली फॉग है, तो उस वजह से एक क्लियर व्यू नहीं आ रहा, लेकिन आपको एक हल्का सा व्यू दे देंगे ताकि आप भी मज़े ले लें। तो बात यह है कि सारा मामला जो है वो पीछे व्यू आ रहा है फैसल मस्जिद का, अगर आपको दिखता है, फॉग इतनी ज़्यादा है ना कि वो धुंधला आ रहा है, वरना अगर मौसम साफ़ हो तो सारा व्यू क्लियर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ से, और एक बेहतरीन टाइम लैप्स भी बन जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ ऐसा। अब जाएंगे वापस। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम यहाँ से जा रहे हैं मुनाल। अच्छा, सलमान भाई बोल रहे हैं अब हम यहाँ से जा रहे हैं मुनाल रेस्टोरेंट। आपको पता है सलमान, मेरा एक फ्रेंड है अली, मेरे साथ कोयटा भी गया था। आप लोगों ने कोयटा वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देखो, उसमें अली भी है। वो जब पहली दफ़ा मुनाल गए, उनका बिल कितने का बना था, आप कोई अंदाज़ा लगाएं? कितने लोग बंदे थे? सात आठ बंदे थे। सात आठ बंदे हैं, मल्टीप्लाई में 1000 कर लूँ, 8000। उनका बिल बना पहला, अभी तक मुझे याद है, अली ने मुझे इस बिल की पिक्चर भी दिखाई थी। तो 20,000 रुपये का बिल बना था, मुनाल पे उनका बिल बना था 20,000 रुपये का। अली भाई अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं ना,
तो देखे मैंने वो बात मुनाल जाके समझदारी से खाना होता है, वरना मुनाल वाले आपको नहीं, उन्होंने जो है ना वो मंगवाते रहे, उन्होंने इतनी वो ही नहीं, उन्होंने बोला बहुत है 10-12 हज़ार का बन जाएगा, वो 20 हज़ार का बिल बना था उनका, आधे ट्रिप के पैसे वहीं लग गए थे उनके। तो अगर आप मुनाल जाते हैं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, पहले मेन्यू कार्ड पढ़े, फिर रेट पढ़े मेन्यू पे क्या रेट्स हैं, उसके बाद ऑर्डर करें, वरना आपको भी 20 हज़ार की फटकी लग जाएगी फजूल में। ओके, तो जो आपको जो रोड पर देख रहे हैं आप, ये जो अभी मैंने वीडियो में दिखाया है, ये जा रहा है मुनाल की तरफ, हम अभी इसी रूट पर जाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, कराची का लड़का यहाँ आया था मुनाल, और यहाँ पे बादल बड़े प्यारे आए हैं, नीचे एक वैली है, यहाँ पे टाइम लैप्स बन रहा है कैमरे में, मैंने मोबाइल निकाल लिया था, और फुल इंजॉयज हो रहे, मज़े चल रहे, मज़े चाहिए हमें। तो हुआ ये कि अभी अभी हम उतरे कार से, पार्किंग में गाड़ी लगाई है, पीछे बादल ऐसे आए हैं कि देख के खौफ आ रहा है, मतलब इन बादलों का मतलब है ख़तरा, ख़तरे का मतलब है बारिश, बारिश का मतलब है सर्दी, अल्लाह खैर करे। और नीचे एक बहुत खूबसूरत सी वैली है, ये मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा, लेकिन ऊपर जो बादल है ना उन्हें देख के मुझे कुछ हो रहा है फिलहाल। तो मामला ये, टाइम लैप्स बन गया, बादल उधर मौजूद है, और मैं जा रहा हूँ अभी रेस्टोरेंट में, जिनके साथ आया हूँ वो मुझे छोड़ के आगे ना निकल जाए, बस ये टेंशन है थोड़ी सी। मुनाल में इस टाइम मौजूद है रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो ये इन्होंने जो ये इनके शेड्स लगे हैं ऑटोमेटिकली बाहर आ गए। मुनाल से हम फारिग हो गए हैं, अब जा रहे हैं हम वापस कार में, अपने मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, मुँह से धुएँ निकलने शुरू हो गए यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा हो जाएगी ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मज़े आए, फुल इन्जॉय किया हमने यहाँ पे, और ऐसे वसूल हो गए। ओके, तो हम अभी मुनाल से निकले थे फैसल मस्जिद वाला व्यू निकालने के बाद, और यहाँ गाड़ी में हम मौजूद हैं, और बाहर ओले पड़ने शुरू हो गए, एक ही दिन में हमें माशाल्लाह से सारे मौसम मिल गए, बारिश भी, क्लाउड्स भी, और बहुत ज़्यादा जोर जोर शोर से ओले गिर रहे हैं इस टाइम, अल्लाह खैर करे। सो आई जस्ट वन एंड माई ब्लॉग हेयर, ये था मेरा आज का दिन और लास्ट दिन इस्लामाबाद में, कल की मेरी ट्रेन है सुबह 8 बजे की, वापस जा रहे कराची, कराची में मेरी यूनिवर्सिटी खुल चुकी है, कराची यूनिवर्सिटी क्या बात, कराची में मेरी यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी खुल चुकी है,
میرا سیمسٹر تھرڈ ایئر کے اسٹارٹ ہو چکے ہیں اور میں یہاں مزے کر رہا تھا. تو اگر آپ کو یہ بلاگ پسند آیا تھا تو جلدی سے لائک کر دو, کمنٹ کر کے بتاؤ آپ کو کیسا لگا, سبسکرائب کر لو اگر مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو. میں اسی طریقے کے بلاگس بناتا رہتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اللہ حافظ.